सोशल मीडिया पर लखीमपुर खीरी घटना के बाद से एक कैंपेन चल रहा है जिसमें एक गीत का मुखड़ा डाल करके सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। वो मुखड़ा है कि तय करो किस ओर हो तुम। इसको कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने भी इसका इस्तेमाल किया है, बहुत सारे सामान्य लोग भी इसको ट्वीट कर रहे हैं उन सारी घटनाओं का जिक्र करते हुए जो लखीमपुर खीरी में घटित हुई। लेकिन वहाँ पर कहीं भी ये जिक्र नहीं आ रहा है कि इस ये जो कविता है या जो गीत है इसको लिखने वाला कौन है। तो उसको लिखने वाले बल्ली सिंह चीमा जी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, और हम उस पूरे गीत को सुनने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो जो मुखड़े का इस्तेमाल हो रहा है उसका संदेश क्या है उस पूरी कविता का। आपको पता चला कि वो गीत जिस तरीके से लिखा जा रहा है, माने सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आपको इसकी खबर हुई? नहीं, मुझे कल ही इसकी खबर मिली कि कांग्रेस के आईटी सेल वाले इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो गीत है ना, ये इस भावना से लिखा गया, सच्चाई एक तरफ और झूठ एक तरफ, बेईमानी एक तरफ और ईमानदारी एक तरफ, जहाँ भी दुनिया में और जब भी जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले, लूटने वाले और लूटने वाले, एक उसमें लकीर खींचने के लिए गीत लिखा गया है। और ये गीत मैंने 94-95 में लिखा था। अच्छा, ये 20-25 साल पहले? हाँ, 98 मेरी जो गीत आई है तय करो कि उसके, आपका नाम ही ये था, तय करो किस और हो। हाँ, उसको मेरी कविताओं के साथ यही रहा है कि हर आदमी, हर आंदोलनकारी या लोग जो है अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा बदल के उसको पेश करते रहे हैं। जैसे इन्होंने, कांग्रेस वालों ने इसको ये किया है, ये मुखड़ा है, तय करो किस और हो तुम, तय करो किस और हो, आदमी के पक्ष में हो या कि आदमखोर हो। और अगर जुल्म करने वालों के खिलाफ इसका इस्तेमाल होता है, दमन जैसे बीजेपी वाले कर रहे हैं और जो मानव अधिकारों को छीन रहे हैं और जो हकों की लड़ाई है उस पर कुठाराघात कर रहे हैं, तो उसमें अगर मेरे गीतों का इस्तेमाल होता तो मुझे खुशी है इसके लिए। ये मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, 42 साल पहले मैंने लिखा था और देश के सभी बल्कि आंदोलनों में वो गाया जाता है और आज भी, और 2 फिल्मों में आ चुका है और मेरे से अच्छे से गायकों ने उसको गाया है। तो मैं गायक नहीं, मेरी आवाज़ पे नहीं, मेरे शब्दों पे ध्यान दिया जाए, ये मेरा आग्रह है। तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो, आदमी के पक्ष में हो या के आदम कोर हो, या के आदम कोर हो, खुद को पसीने में भिगोना ही नहीं है जिंदगी, रेंग कर मर मर के जीना ही नहीं है जिंदगी। ये पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के मजदूरों और किसानों के लिए मैंने कहा, उनका आह्वान किया है कि पसीने में भिगो, अपना रेंग रेंग के जीना और पसीने में भीगे रहना, मेहनत करना ही जिंदगी नहीं है, इसको बदलने की कोशिश करो। खुद को पसीने में भिगोना ही नहीं है जिंदगी, रेंग कर मर मर के जीना ही नहीं है जिंदगी, कुछ करो के जिंदगी की, कुछ करो के जिंदगी की, डोर ना कमजोर हो, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो, आदमी के पक्ष में हो या के आदम खोर हो, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो। सूट और लंगोटियों के, ये अंतिम पहला है लेकिन मुझे पहला भूल गया इसलिए मैं इसको अंतिम सुना रहा हूँ, वो भी याद आ सुना दूंगा आपको। सूट, देखिए अंतिम लड़ाई तो अभी होनी है और जो होनी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सूट और लंगोटियों के बीच युद्ध होगा जरूर, झोंपड़ों और कोठियों के बीच युद्ध होगा जरूर, सूट और लंगोटियों के, सूट और लंगोटियों के बीच युद्ध होगा जरूर, झोंपड़ों और कोठियों के बीच युद्ध होगा जरूर, इससे पहले युद्ध शुरू हो, इससे पहले युद्ध शुरू हो, तय करो किस ओर हो, आदमी के पक्ष में हो या के आदमखोर हो। अब मुझे वो याद आ गया है अंतरा, और वो ये है कि चुनावों के वक्त आप जानते हैं रंग बिरंगे लोग आते हैं, सपने दिखाते हैं, और चुनाव का मौसम भी चल रहा है। हाँ, और वो खुद वो भेड़िए हैं, भेड़िए हैं, आदमखोर हैं,
खोलो आंखें फंस न जाना, खोलो आंखें फंस न जाना, तुम सुनहरे जाल में भेड़िए भी घूमते हैं आदमी की खाल में। खोलो आंखें फंस न जाना, खोलो आंखें फंस न जाना, तुम सुनहरे जाल में भेड़िए भी घूमते गए आदमी की खाल में। जिंदगी का गीत हो या जिंदगी का गीत हो या मौत का कोई शोर हो, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो। आदमी के पक्ष में हो या के आदम खोर हो, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।